वेलकम टू PNG कार गाइड। आपके सामने है अभी न्यू जावा 42.2.1 वर्जन मॉडल। इसका एक शोरूम प्राइस है 2 लैक्स ऑलमोस्ट, और पुणे में आपको 2.40 लैक्स में ऑन रोड मिल जाएगी। सो ऑल डिटेल्स ऑफ दिस क्लासिक मशीन सिर्फ एक ही वीडियो में, सो स्टे ट्यून इन दिस चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना टू ऑल माई नॉन पेड वीडियोज। एक वॉक अराउंड देखो आप। स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल हैलोजन हेडलाइट, रोस्टर जैसी LED नहीं है। इंडिकेटर्स नॉर्मल मिलेंगे बट ट्रांसपेरेंट व्हाइट में। फ्रंट ब्राइबरी के डिस्क ब्रेक विद ABS साइज मेंशन नहीं है, कंपनी नहीं दी। फ्रंट टायर प्रोफाइल की बात करें तो 90x90 18 इंच विद मशीन अलॉय फिनिश। रियर में भी वही है, 35mm टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन। रेडिएटर विद फैन मिलेगा। छोटा इंजन है, लिक्विड को 294cc वाला, नॉट 334cc। ये निकलता है 27.32 PS मैक्स पावर एंड 26.84 Nm टॉर्क एट सेम 5750 RPM। सो लो स्पीड पे आपको अच्छा RPM मिलेगा, सॉरी टॉर्क मिलेगा। एग्जॉस्ट का नया डिज़ाइन है, रियर ट्विन शॉक अब्जॉर्बर विद एडजस्टेबल प्रीलोड है। रियर डिस्क ब्रेक विद ABS है। रियर व्हील साइज है 120x80 17 इंच। सो थोड़ा वाइड होना चाहिए रियर टायर, ऑलमोस्ट 130mm। न्यू फ्लैट सीट्स है फॉर राइडर एंड पिलियन। रियर बैक रेस्ट एज एन एक्सेसरीज मिलेंगे। न्यू पेंट स्कीम एंड न्यू टैंक डिज़ाइन विथ 13.2 लीटर का फ्यूल टैंक। साउंड देखिए एक बार, आइडल पे डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सेम। अरे अभी अभी इनिशियल एक्सप्रेशन बताऊँ ना, इसका जो सीट है ना, बैठने के दौरान ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ड है। ऐसा लग रहा है कि मैं एक हार्ड सरफेस पे बैठा हूँ। वो बात अलग है कि उसमें कुछ नहीं है, मगर फील नहीं हो रहा। वो दूसरी बात, इसका सीटिंग पोस्चर ऐसा है कि थोड़ा इंक्लाइन है फॉरवर्ड। थोड़ा फॉरवर्ड की तरफ है इसका पोस्चर। हॉर्न अलग है कंपेयर टू रोस्टर, बाकी स्विच क्वालिटी वगैरह सेम है, जो मुझे पसंद नहीं आई। सो पिकअप वगैरह सेम है, अगर इसका पोस्चर मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगा। फील नहीं आ रहा कि हम एक अलग तरह की बाइक चला रहे। बाकी सस्पेंशन उसी तरह से ही है। हेडलाइट इसका LED नहीं है, हैलोजन है नॉर्मल।
तो चेंज है, आई थिंक पेट्रोल कम है क्या पता नहीं, बट इसमें से आवाज़ थोड़ा अलग आ रही है। हीटिंग इशू भी नहीं है, मतलब अभी तक तो मुझे कुछ लगा नहीं पैरों पे हीट वगैरह ऐसा कुछ, नॉमिनल है। थोड़ा सा इसमें वाइब्रेशन लग रहा है मुझे कंपेयर टू रोस्टर, और सीट हार्ड है, सस्पेंशन भी है स्टीफ और सीट भी स्टीफ है, बेंच के ऊपर बैठे हुए ऐसा लग रहा है मुझे। आफ्टर 5000 RPM वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं हाथ पे लेग पे। 4000 तक कुछ प्रॉब्लम नहीं। ब्रेक बाइट इसकी इतनी अच्छी नहीं है कंपेयर टू रोस्टर, अभी मैंने स्पेक नहीं देखे दोनों डिस्क ब्रेक के, बट जो मुझे अभी फील हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। बट चलाने में थोड़ी लाइट वेट छोटी लग रही है, बट इतना कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा। रोस्टर जितनी कंफर्टेबल नहीं है। फिफ्थ गियर, सिक्स्थ गियर, फोर थाउजेंड प्लस RPM, ब्रेक बाइट इतनी अच्छी नहीं है, सस्पेंशन ऑलमोस्ट सेम है। इसमें थोड़ा मोड़ा गियर शिफ्टिंग का थोड़ा इशू लग रहा है, शायद टेस्टिंग की बाइक बाइक इसलिए। मिरर इतने एडोकेट नहीं लग रहे मुझे। सीट हाइट नीचे है थोड़ी, सो फुट अच्छे से टच हो रहा है ग्राउंड को। ये देखो आगे जा रहे हैं ओल्ड जावा क्लासिक। कुछ भी बोलो पिकअप बहुत अच्छा है इनके गाड़ी का कंपेयर टू रॉयल एनफील्ड इंजन। बुलेट नहीं चलाई मैंने, इंजन तो वही है हंटर का, हंटर को मतलब सेमी इंजन है। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो रियल अनपेड वीडियोस में लाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू।